हमारा मामला ये है कि उपनगरपुर ग्राम में 50,000 से ज्यादा की आबादी है और जब से बाईपास बना है 3 साल से जितनी भी रोडवेज की बाहर के आगार की जो गाड़ियां आती जैसे कोटा उदयपुर राजसमंद और अजमेर ये सब गाड़ियां बाईपास से निकल जाती है। इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करने के लिए आए हैं कि इन गाड़ियों को पूर्व में निकाला जाए न कि बाहर से निकाला जाए बाईपास से। और सबसे बड़ी बात ये है कि रात को 11 से लगा करके सुबह 4 बजे तक कोई भी यात्री जो चाहे बुजुर्ग हो या महिला हो उन यात्रियों को बाईपास में उतार दिया जाता है और वहाँ से फिर पूर्व पहुँचने का 4 किलोमीटर का कोई साधन उनको नहीं मिलता है। तो उनको 2 से लगा करके 4 बजे तक वहाँ इंतजार करना पड़ता है किसी साधन का। जब तक साधन नहीं मिलता है तब तक वो वहीं अटके रहते हैं। और ऐसा अभी हालिया दिनों में 2-4 दिनों में ही एक लेडीज को इन्होंने 11 बजे वहाँ उतार दिया। वो लेडीज बेचारी न जाने कैसे घर पे पहुंची होगी उसकी वेदना हम आपको यहाँ बयान नहीं कर सकते। इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो हमारी मांगों को सुने और जो भी गाड़ियाँ बाहर से निकल रही है चाहे वो अजमेर आगार की हो चाहे कोटा आगार की हो चाहे उदयपुर आगार की हो इन सब गाड़ियों को वाया बाईपास न होकर के वाया पूर्व निकाला जाए। और दूसरा हमारा एकल खिड़की की डिमांड है टिकट विंडो। जब एक्सप्रेस ट्रेन हमारे यहाँ है तो टिकट विंडो हमारे यहाँ होनी चाहिए। ये दोनों डिमांड लेकर के हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं और सब मिलकर के ज्ञापन देंगे।